नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्री ज्ञानज्योति यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत है। पिछले वीडियो में पूरक वाचन शनि सबसे सुंदर ग्रह है, कैसे पढ़ना है आपको सिखाई थी, ये तो दूसरी भाग है। शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है। पृथ्वी का मात्र 1/4 हिस्सा, इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं। शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए, लेकिन चंद्रमा, मंगल या शुक्र की तरह शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं होगा। अभी 2 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे थे, लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या 17 पर पहुंच गई है। धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्ष यान पायोनियर तथा वॉयेजर शनि के नजदीक पहुंचे और इन्हें के जरिए इस ग्रह के 7 नए उपग्रह खोजे गए। शनि के और भी कुछ चंद्र हो सकते हैं। शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था, परंतु वॉयेजर यान की खोजबीन से पता चला है कि बृहस्पति का गैनीमेड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारना तो संभव नहीं है, परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। शनि हमारे सौरमंडल का एक अद्भुत और सुंदर ग्रह है। किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। शनि तो हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। From Nanajyoti team, alone we can do so little, together we can do so much. For further information, kindly visit our website, that is www.nanajyoti.com.